नहीं, ये फर्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ही अच्छा लगा। एक बिल्कुल यूनिक और अलग सा ही टेस्ट है। कैसा लगा भाई? हमें तो चस आ गई यार, क्या बात है यार, मजा आया, बहुत मजा आएगा भाई। मैं काफ़ी देर से टेस्ट कर रहा हूँ, आज की बात नहीं है। ये ऐसे कह लीजिए कि हमारे अहलाने शादरा के लिए ये एक नेमत और तोहफे से कम चीज़ नहीं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नदीम कंबो और आप देख रहे हैं कंबो पाकिस्तानी चैनल। आपने मटका पिज़्ज़ा सुना होगा, आपने मटका बिरयानी सुनी होगी, पर आपने कभी मटका सोडा नहीं सुना होगा। ऐसा सोडा लकड़ हजम, पत्थर हजम, हर चीज़ आपकी अंदर से हजम। वो हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं जो कि एक यूनिक आइडिया लेके हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके जहन में ये आइडिया किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर पहले ये बताइए, आपके जहन में किस तरह ये आइडिया है? सर ये हमारे एक भाई हैं वहाँ पे सखर में, अली भाई, ये उनका है आइडिया, उनके जहन के मुताबिक हमने ये, उन्होंने हमें यानी कि ये अता किया है, तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। मतलब ये मटके के अंदर एंड तक ठंडा ही रहता है? हाँ जी, ये यानी कि समझ लें कि ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। इसमें शिमला है, अपना लेमन है, पुदीना है, और हमारे ये अपने मसाले हैं, ये हमने तैयार किए हुए हैं। अच्छा नाजी, ये भाई बता रहे हैं कि इनका अपना मसाला है, ये देखिए जरा, अगर मेरा कैमरा मैन बताता है ये तो बात ना लगे। ये अभी हम मिक्स ही बनाते हैं, यानी कि जैसे इमली है, लेमन है, आड़ू है, स्टिंग है, एक एक लाइन हम शुरू करते हैं। अच्छा नाजी, वो बता रहे हैं कि एक एक साइड शुरू करते हैं। अभी ज़रा बर्फ़ डाल रहे हैं इसके अंदर, तो बर्फ़ के बाद देखते हैं क्या मराहल होते हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं। ये इनके फ्लेवर हैं स्पेशल, ये क्या चीज़ है बॉस? बॉस ये फ्लेवर है, ये लेमन है, ठीक है, ये लेमन फ्लेवर है, लेमन ही लगा दो सर, ये लेमन है, ठीक है, ये अंकल ने बोला लेमन का। अच्छा नाजरी, इसकी जो स्मेल है, जो खुशबू है, जहाँ तक फील हो रही है हमें, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आए आए आप करें, इसमें पुदीना ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये लेमन है, लेमन ऐड करेंगे। लेमन के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला और हरी मिर्च, ठीक है, उसके बाद हमारे ये अपने मसाले तैयार किए हुए हैं, ठीक है, वो हम ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सोडा, सोडा वाटर। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर लेमन डाल दिया है, पुदीना डाल दिया है, शिमला मिर्च और वो जो हरी मिर्च होती है वो डाल दी है, बर्फ़ डल गई है। अब इसके बाद ये लेमन सोडा वाली बोतल डल रही है, वो जो ठाठा होती है ये वही बोतल है? हाँ जी, ये सोडे वाली बोतल है, ठीक है। अब जी ये सर तैयार हो गया, इसको लाते लुते नहीं है ऐसे ऐसे ऐसे, ये कर देते हैं बीच में, जब रश लगा हो तो फिर हम ज़रा कस्टमर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं इसकी बनावट, ये देखिए ज़रा मेरा कैमरा मैन दिखाएगा, अभी ये तैयार है नाज़रीन। अभी हम ज़रा ऑडियंस से भी पूछते हैं पी के कैसा मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, कैसा लग रहा है आप? ये बहुत अच्छा टेस्ट है। ये कौन सा फ्लेवर पी रहे हैं? ये मैं इमली वाला फ्लेवर पी रहा हूँ, चिली वाला। ठंड पड़ रही है अंदर? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही ठंड पड़, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने पी लिया? जी पी ली है। कैसा मज़ा आया? बेहतरीन। कभी आपने देखा है? यूनिक, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग। आपने देखा है मटके के अंदर सोडा? नहीं, ये फर्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ही अच्छा लगा। एक बिल्कुल यूनिक और अलग सा ही टेस्ट है जो कि। कौन सा फ्लेवर भी है? मैंने लेमन। क्या बात है, मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ एक गर्मी दूर हो गई है, ठंड पड़ गई है सीन। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं व्यूज़ आप, कि ठंड पड़ गई है सीन। ठंड पड़ गई है, गर्मी सारी दूर हो गई है और बिल्कुल एक चौकस हो गई है। ये भाई फर्स्ट टाइम इधर पीने आए हैं मटका सोडा, इनकी फीलिंग पूछते हैं, ये जब पिएंगे हम इन्हीं से पूछेंगे। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी भाई, यार फर्स्ट टाइम है। पक्की बात है? जी भाई जान। चलें जी, पी के बताएं जरा फर्स्ट टाइम कैसा टेस्ट लगा। नाज़रीन ये भाई फर्स्ट टाइम पी रहे हैं, एक सांस में ख़त्म नहीं करना भाई, कैसा लग रहा? भाई हमें तो चस आ गई यार, क्या बात है यार, मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया भाई। कहाँ तक ठंड कहाँ तक? पूरे जिसम में ठंड पड़ गई भाई, आया चस आ गई। नाज़रीन भाई कह रहे हमें चस आ गई है, ठंड पड़ गई। पी के देखो भाई, आया हम
चस आ गई मजा है बहुत ज्यादा झूठे इनके फाइन हो गए भाईजान मटके वाले भाई इनके फाइन हो गए इनको फाइन हो भाई जान बहुत मजा चस आ गई है भाई आप डेली आए हैं इंशाल्लाह डेली आ गए हां जी भाई जान क्यों खाना खा लिया था खाना खा के आए इसलिए आए फर्स्ट टाइम आए मजा आ गया कौन सा है आड़ू फ्लेवर है भाई जान मजा नाज़रीन भाई देखने भाई की फीलिंग मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने पिया है और इनको मजा आ गया कौन सा फ्लेवर पिया मैंने लेमन कैसा लगा मजे का अच्छा रोज पीने आते हैं नहीं यार वो ठंड पड़ी है हां जी अच्छा है ये तो इसमें मतलब कि ये जो एंटीक चीज है बड़ी डिफरेंट चीज है जी जी इसके बारे में क्या ये जब मैं पहली दफ़ा देखा था तो फिर उसके बाद मैंने पिया मज़ा आया सुकून होता है पीने का तो अब रोज़ाना पीने आते हैं स्पेशल सर इसको खाने के बाद पीने आते हैं या खाने से खाने के बाद पीने आते हैं खाने के बाद हजम हो जाता है हाँ जी सब कुछ हजम हो जाता है मैं काफ़ी देर से टेस्ट कर रहा हूँ आज की बात नहीं है ये ऐसे कह लीजिए कि हमारे अहलान शादरा के लिए ये एक नेमत और तोहफे से कम चीज़ नहीं है क्योंकि पहली चीज़ ये है कि हाइजीन्स का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और जितनी भी चीज़ें मतलब के जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अप टू द मार्क हैं और जब आप पीते हैं तो टेस्ट भी ऑसम है भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हाइजेनिक चीज़ें हैं साफ़ सुथरी चीज़ें हैं हर चीज़ वो है जो फ़ायदेमंद है इसी एग्जैक्टली ज़्यादा यार मज़ेदार कहाँ तक ठंड गई है अंदर तक किधर अंदर तक गले से आगे हाँ बताए भाई इधर आए आप वीडियो बना आपने चुस्की लगाए चुस्की लगाए ये मटका सोडा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है तो जिसने पीना है ये भाई से रब्ता करें है ना जी सर मुझसे कैसा फील हो रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है कहाँ तक ठंड जा रही है अंदर तक जा रही है अंदर तक जहाँ तक जा सकती है खाना खा के आए जी मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है कौन सा फ्लेवर है ये मेरे ख्याल से मिर्ची है शायद अच्छा इसकी खसूसियत क्या है क्या चीज़ अच्छी लग रही है इसके अंदर मेरे ख्याल से खाना खाते हैं जब तो हाजमे के लिए बेहतर होता है इसलिए पीते हैं अच्छा लगता है खाना खाने के बाद वालेकुम अस्सलाम अंकल जी कैसा मजा आ रहा है अच्छा आ रहा है मतलब कि सही सोडा हाँ जी ठीक है इन्हें जी अच्छी चीज़ा पाए लीमू पाया पुदीना पाया नमक पाया हर चीज़ सेहत के लिए अच्छी बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी है मतलब खाना खाता है तुसी? नहीं खाना भी खाना यार लोग खाना खाने से पहले ही आपने पी लिया हाँ जी अब तो आपको बड़ी भूख लगेगी पता नहीं खाऊंगा भी कि नहीं खाऊंगा बड़ी मेहरबानी है वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह आपकी सेहत गुवारा नहीं करती आप सोडा पियो थोड़ा है इतने मजे का कि पीना पड़ता है इसमें गैस होती है आप उड़ के जा सकते हैं कहीं भी तो अच्छी बात है उड़ना चाहिए बंदे को कैसा फील हो रहा है बहुत अच्छा फील है एक यूनिक चीज आई है छदरे में ना अच्छा आप पहले ऐसा कोई चीज नहीं थी छदरे में इस वजह से तो ये यूनिक चीज है छदरे में और भी यूनिक चीज आनी चाहिए अभी आपने मटका सोडा नहीं पिया था नहीं पहले नहीं था पक्की बात फर्स्ट टाइम पिया तो अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कौन सा फ्लेवर है ये लेमन फ्लेवर है लेमन फ्लेवर पी रहे हैं भाई और ये खाना खा के आए खाना खा गए अच्छा भाई खाना भी खा के आए हैं माशाल्लाह इनकी सेहत भी बता रही है हो सकता है किसी भी टाइम ये उड़ सकते हैं बड़ी मेहरबानी थैंक यू ये मैं आपको एड्रेस भी समझा दूं जब आप मेट्रो का आखिरी स्टॉप है शादरा वहाँ से आप निकलेंगे गुजरा वाली साइड में मुँह होगा आपका मरीदके वाली साइड में मुँह होगा और साथ ही ये बिल्कुल फुटपाथ के साथ ही रोड के बिल्कुल मेन पे ये स्टॉल लगा हुआ है अगर किसी ने टेस्ट करना है हमसे एड्रेस बार बार नहीं पूछना आपको बता दिया है मेन रोड पे ही लगा होगा इनका नाम मेरे ख्याल लिखा हुआ है मेहरान लिखा हुआ है इनका नाम सोडे वाले जो कि मटका सोडा है एक बहुत अच्छा एक यूनिक आइडिया है